इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। अवैध बारूदी हाथ गोले धरपकड़ की बड़ी कार्रवाई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा सभी थाना प्रभारियों को नकबजनी चोरी, देशी विदेशी अवैध शराब व अवैध पशु परिवहन व अवैध हथियारों की घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। 25 जनवरी 2023 को विश्वसनीय सूचना मिली कि सेंधवा तरफ से एक कार क्रमांक MP09WL 1530 पलसुद तरफ आ रही है, जिसको चेक करने पर हथियार मिल सकते हैं। सूचना पर पलसुद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पलसुद टोल प्लाजा पर नाकाबंदी कर उक्त कार को रोका। चालक से नाम पूछते राहुल उर्फ ऋषभ पिता कल्याण शर्मा महाराज गली सेंधवा व बाजू के सीट पर बैठा व्यक्ति मौका पाकर कार से निकलकर भाग गया। राहुल ने भागने वाले व्यक्ति का नाम राम शर्मा पिता शंकर शर्मा निवासी सेंधवा का होना बताया। राहुल शर्मा की कार की बारीकी से तलाशी लेते कार में रखे एक बॉक्स में 13 नग बारूदी हाथ गोले जो सुतली से बंधे होकर प्रत्येक गोले का वजन लगभग 400 से 500 ग्राम पाया गया, जिसके संबंध में राहुल द्वारा वैध दस्तावेज प्रस्तुति नहीं किए गए। जो मौके पर हाथ गोले 13 नग व मारुति बलोने कार जब्त कर उक्त विस्फोटक हाथ गोले बम खतरनाक होने से सुरक्षित थाना परिसर में रखे जाकर BTDS टीम निमाड़ रेंज खरगोन को थाना पर बुलाई जाकर सभी हाथ गोला बमों को निष्क्रिय कराया गया व जांच रिपोर्ट प्राप्त की जाकर राहुल शर्मा को गिरफ्तार किया जाकर आरोपी राहुल उर्फ ऋषभ पिता कल्याण शर्मा निवास महाराज गली सेंधवा व फरार आरोपी राम शर्मा पिता शंकर शर्मा निवासी सेंधवा के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की जारी रही। विशेष भूमिका BR वर्मा थाना प्रभारी पलसुद महेंद्र सिंह चौहान ब्रजेश मिश्रा पूरन मंडलोई R392 भैरव सिंह R निर्मल मंडलोई की उक्त टीम को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। बड़वानी ब्यूरो ओम प्रकाश गोले की रिपोर्ट। सर पलसुद में हाथ गोले मिले हैं, क्या पूरा मामला है सर? देखिए, इसमें हमारी टीम को सूचना मिली थी कि एक कार है जिसमें अवैध रूप से आग्नेय शस्त्र हो सकते हैं। सूचना पर हमारी टीम ने कार को रोका और जब हमने उसकी तलाशी ली तो उसमें से हमें लोकल मेड विस्फोटक मिले हैं। ये 13 नग थे उसमें, जिनको कि पुलिस ने अपने कस्टडी में लेकर के और इसमें धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। और इसमें अब तक 2 आरोपी सामने आए हैं, जिनमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, दूसरे की तलाश जारी है और अलग अलग बिंदुओं पर इसमें जांच की जा रही है। सर कितना घातक है सर ये जो बम मिले थे? ये देखिए, लोकल जो पटाखे होते हैं उनका बारूद निकाल के बनाए गए हैं, तो उन्हीं को एकत्रित करके लोकल तरीके से बनाया गया है। सर ये कहां से कहां ले जा रहे थे कुछ? ये देखिए, जैसा मैंने बताया अलग अलग पहलुओं पर अभी जांच जारी है, तो पूरी स्थिति स्पष्ट होने के बाद हम बेहतर बता पाएंगे। सर आरोपियों के नाम? आरोपियों के नाम जैसा हमने प्रेस नोट जारी किया है उसमें हमने उल्लेखित किया है। सर ये जो बम थे ये मतलब किस प्रयोजन से ले जाए जा रहे थे, ऐसा कुछ स्पष्ट हो पाया है? देखिए, मैंने कहा अभी जैसे इसमें अलग अलग बिंदुओं पे जांच जारी है और ये कहां से कहां जा रहे थे, इनका क्या उद्देश्य था, ये चीजें अभी स्पष्ट होनी बाकी है। सर पूर्व संध्या पे 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे मिले हैं, तो क्या इसको कुछ अलग तरीके से जोड़ के देखा जा रहा है कि 26 जनवरी? देखिए, ऐसा कोई हमारे सामने तथ्य निकल के नहीं आया है कि इसको इस तरह से जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे जिले में लगातार आपने देखा है कि हम लोग आग्नेय शस्त्रों के विरुद्ध और अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई करते रहते हैं, तो उसी श्रृंखला में ये भी कार्रवाई है। सर कितने वजनी ये थे जो हथ गोले हैं ये? इनका एग्जैक्ट वजन तो हमारी जो BTDS टीम है वो बता पाएगी, जो कि इसके परीक्षण के लिए आई थी और उन्होंने इसको पूरा डिस्पोज ऑफ भी किया है, तो ये ज्यादा वजनी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लगभग 3-4 लोकल पटाखों से बनाया गया है। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।